दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 हेतु कक्षा 12वीं समाजशास्त्र विषय का प्रश्न पत्र। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही दबा दीजिएगा बेल आइकन को दोस्तों, जिससे कि आप सबको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं समाजशास्त्र विषय का प्रश्न पत्र कैसा आएगा। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी के लिए आज लेकर आ गया हूँ राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 हेतु कक्षा 12वीं समाजशास्त्र विषय का प्रश्न पत्र। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आप सबको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले सभी प्रश्न पत्र इसी प्रकार से बराबर मिलते रहे। प्लीज़ आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 ए है, आप सभी लोग इसको देखेंगे और नोट कर लेंगे, जिससे कि आप सभी लोग इसको अच्छे से याद कर सके, तैयार कर सके। मंडल आयोग अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है दोस्तों, तो आप सभी लोग इनको देखते चलेंगे और नोट करते चलेंगे। इसके अलावा कुछ प्रश्न ये दिए गए, आप सभी लोग इनको भी देखें। आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ प्रश्न ये यहाँ पे बताए गए हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि इन प्रश्नों को आप अच्छे से नोट कर लें, और उसी के अलावा कुछ ये प्रश्न हैं। आप सभी लोग समाजशास्त्र विषय वाले जितने भी बच्चे देख रहे हैं, उन सबसे निवेदन है कि आप लोग इन प्रश्नों का जरूर बहुत अच्छे से अध्ययन कर लें, ये बिल्कुल आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो आगे आप देखें तो कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहीं पर आपको इसका खंड बा देखने को मिलेगा, तो आप सभी लोगों को इसके खंड बा को भी प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। वह इसी क्रम में अगर आगे देखें तो कुछ प्रश्न आप ये देख सकते हो, सामाजिक आंदोलन कर्त लिखिए, ग्राम पंचायत की भूमिका, संबंधों के आधार पर परिवार के प्रकार लिखिए, भारतीय संविधान की किन धाराओं ने अल्पसंख्यकों को का विवरण दिया। तो पहली बार तो ये है कि अब सभी लोग इन प्रश्नों का अच्छे से अध्ययन कर ले। कारखाना एक्ट 1948 क्या है, इसके अलावा कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि इसका खंड सा है, तो आप सभी लोग इसको देखें और नोट कर लें। लर्नर्थ के आधुनिकीकरण की भी तीन विशेषता आपको बतानी है, तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को देखेंगे और नोट कर लेंगे। वैसे क्रम में आगे देखें तो कुछ प्रश्न ये दिए गए, आप सभी लोग इनको देखेंगे और नोट करते चलेंगे। इसी का खंड दा दिया गया, तो आप सभी लोग इसके खंड दा को भी नोट कर लें। वैसे क्रम में आगे आप देख सकते हो कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर अगर देखें तो आप देख सकते हो परंपरा और आधुनिकता के मध्य क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इन प्रश्नों का अध्ययन अच्छे से करें। आप आगे यहीं पर देख सकते हो दोस्तों, ये दिया गया खंड या, जी हाँ दोस्तों, प्रश्न पत्र का खंड या दिया गया है, आप सभी लोग इसको देखें और नोट कर लें। इसी के अलावा कुछ प्रश्न ये हैं, आप लोग इन सभी प्रश्नों का अध्ययन अच्छे से करें दोस्तों, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो ये था दोस्तों पूरा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2021-22 कक्षा 12वीं समाजशास्त्र विषय का, जो कि मैंने आप सबको पूरा समझा दिया दोस्तों। इसी के साथ मैं आप सबको मैं अर्धवार्षिक परीक्षा तो शुभकामना देता हूँ और इस वीडियो से विदा लेता हूँ। नमस्कार।